पनौती, वो अच्छा भला, अच्छा भला वहां पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया। दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को क्या कुछ कह डाला है सीधा पनौती के साथ साथ, और क्या कुछ कहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए उनकी। पनौती पनौती वो अच्छा भला, अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है पीएम मोदी को, उसके बाद पीएम मोदी को लेकर बहुत से रिट्वीट हुए हैं ट्विटर पर। पहले एक ट्वीट आपको हम दिखाते हैं, ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट लिखते हैं दिलीप मंडल, लिखते हैं इस हिसाब से 1962 में जब भारत चीन के हाथों हारा और हमारी वर्ग किलोमीटर जमीन चली गई, तब पनौती कौन था? नेहरू। फिर लिखते हैं 1947 और 48 में जब 10 लोग विभाजन के हिंसा में मारे, तब पनौती कौन था? गांधी। खेल में तो अगली बार होता है, 1962 में तो जो चला गया वह परमानेंट चला गया, विभाजन में जो मर गए वो तो मर ही गए। मेरी सलाह है कि दो चीजों बंद होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ये कहना और सोचना बंद करें कि देश में जो अच्छा हो रहा है ये उनके निजी सौभाग्य के कारण हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस अपनी राजनीति हदस दूर करे, प्रधानमंत्री को पनौती कहना बंद करो, यह भाग्यवाद है। ये कहा है दिलीप मंडल ने, जो कि अंबेडकर वादी हैं। और जो दूसरी खबर आपको बता रहे थे, वो दूसरी खबर सीधा बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लिखी जा रही है। वो लिखते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में राम मंदिर का निर्माण को अटका रखी थी, भटक रही थी। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया। राहुल बाबा ताने लगाते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। ये सीधा लिखते हैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से, और सीधा इशारा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह को। और फिर राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, 22 जनवरी को दोपहर 12:22 पर रामलला की प्रणाम प्रतिष्ठा में होने वाली है। श्री अमित शाह को टेक किया गया है, राजस्थान में कमल खिलाएंगे। ये लिखते हैं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से सीधा अमित शाह। तो यही थी आज की खबर, आपको इसके बारे में क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर दीजिएगा। जय जवाहर।